दो बैलों की जोड़ी लेके खेत में करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम। ये बॉर्डर है, बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का। दोस्तों गन्ने में थोड़ी बीमारी आई है इस साल, और हर साल की तरह इस साल गन्ना नहीं है। इस साल गन्ने में जो बीमारी आई है वो बीमारी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो बीमारी क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये बीमारी आई है। ये एक साख ये हो गई, दूसरी साख ये हो गई, और तीसरी साख इसके ऊपर ये हो गई, और ये चौथी साख जो इसकी मेन साख थी वो इसकी सूख गई है। इस वजह से गन्ने की जो है ना मोटाई ज़्यादा नहीं हो पाई, और गन्ना ज़्यादा लंबा नहीं हो पाया। इस वजह से गन्ना इस साल थोड़ा कम है। ये बीमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब करीब सभी जगह पे देखी गई है, तो आने वाले टाइम में चीनी भी महंगी हो सकती है। यह है मेहरबान मामू, ये 3 दिन में एक ट्राली गन्ने अकेले छोल देते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। देख सकते हो किसानों की मेहनत। ये गन्ने के हरे पत्ते भैंस का चारा, और ये सूखे पत्ते भैंस के लिए बिस्तर। जब सर्दी के मौसम में ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो भैंस के नीचे ये सूखे पत्ते डाले जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, और इन्हीं हरे पत्तों से गन्ने की पुली बांधी जाती है। तो बांधने के लिए कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। ये देखो मेहरबान मामा कैसे बना रहा है। ये बन गया जूना, ये 2 जूने तैयार हो चुके हैं। एक एक गन्ना साफ करके पुली तैयार हो चुकी है। ये मेहरबान मामा पुली बांधते हुए। एक ट्राली गन्ने तैयार होंगे तब ये मील पे जाएंगी, जहाँ पे चीनी बनती है। इसे तैयार करने के लिए करीब 3 दिन लग जाते हैं। ये मेहरबान मामा ने तैयार करके रख दी कुछ पुलियाँ। ये सरसों के पीले पीले फूल, और ये है नीले नीले फूल। दोस्तों ये है सड़ेंदा। जब किसी को चोट लगती थी और उसको डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, जंगल में हाथ कट गया पैर कट गया, तो इन पत्तों को पीस के उस जगह पे लगाया जाता था जहाँ से ब्लड निकलता था, तो इस वजह से इसको सड़ेंदा बोलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये जो है ना ये देखिए, ये बॉर्डर है। बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, इस खेत के बीच का बॉर्डर। क्योंकि यहाँ पे ये जो सरहद आप देख रहे हो ये कच्ची मिट्टी की होती है, जब इसमें जुताई खुताई होती है तो पता नहीं चल पाता कि इसका खेत कहाँ तक है, तो कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो इसकी वजह से इन्होंने एक ये बॉर्डर लगा रखा है, जिससे पता चल जाता है कि हमारा खेत जो है, हमारी जो ज़मीन है वो यहाँ तक है, और जो इसकी ज़मीन है वो यहाँ तक है। तो ये है बीच का बॉर्डर, और इसी तरीके का बॉर्डर यहाँ पर भी है। ये देख सकते हो जंगल में इस तरह के बॉर्डर लगा दिए जाते हैं। ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा देखिए आप, ये कपड़ा इसलिए बांध रखा है, जब खेत में जंगली जानवर परेशान करते हैं, फसल का नुकसान करते हैं, तो एक इस तरह के कपड़े बांध के उसके ऊपर दवाई डाल दी जाती है। उस दवाई से पूरे एरिया में बदबू हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास जानवर नहीं रुकते, बदबू की वजह से वो जानवर यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखिए सरसों इनमें तैयार है, बिल्कुल दाने तैयार हैं। 15-20 दिन लगेगा और इसको तैयार होने में। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। वीडियो तो इधर विधर बनवा फिर मिलने वालों का आनंद। दो बैलों की जोड़ी लेके खेत में करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम। किसान बैल डर रहे हैं क्या? बैल डर रहे हैं।
क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? खेत जोत रहे। खेत जोत रहे? ये वो है क्या जो हैरो से जुतता है? नहीं, बैल से तो जुत रहा है। मतलब ये वाहन कौन सा वाहन है? अब इसके बाद क्या होगा, गेहूँ को वो बोया जाएगा? गन्ना क्या बोया जाएगा? गन्ना? कितने बीघे का खेत है? 5 बीघे का। 5 बीघे का? और कितनी देर में जुत जाएगा? मेरे से डर रहा है बैल। वो भी क्या है, वो कैसो कैसो कहते हैं, तक तक तक। बैल को मोड़ने के लिए हाँ तक 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 कुछ इस तरह के अल्फाज यूज किए जाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक सबक हमें ऐसा पढ़ने को मिला था, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेत में करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम किसान। चाक घुमा के करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम कुम्हार। तो ये दो बैलों की जोड़ी मैंने आपको दिखाई है।